गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वर्षा ब्लॉग्स एंड कुकिंग। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और आज मौसम बहुत मतलब कि ठंडा है। हवा चल रही है, ठंडी 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 हवा चल रही है, देखिए। और अच्छा मौसम हो रहा है आज, और पेड़ों में पानी भी डाल रहे हैं हमें। और अभी सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। पहले हम थोड़ी सी चाय बनाते हैं। तो सारा काम अभी ऐसे ही फैला पड़ा है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं और सारा सामान इधर उधर पड़ा है। तो अभी काम शुरू करेंगे। मैं थोड़ी सी चाय बना देती हूँ, अदरक बहन को देती हूँ चाय थोड़ी सी बना के, और उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। आज का व्लॉग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, बच्चों के लिए गिफ्ट आया है, और ये गिफ्ट हमारी छोटी बुआजी ने भेजा है। कल ये अपने बुआजी की साइड गए थे तो उधर किसी काम से, तो बुआजी के यहाँ पे भी होके आए, तो बुआजी ने बच्चों के लिए ये चॉकलेट का डब्बा भेजा है, ये देखिए। और इसमें 2 पैकेट थे चॉकलेट के, पर 1 पैकेट बच्चे खा चुके हैं और 1 पैकेट इसी में रखा है। अब हम इस डब्बे को रखते हैं साइड में बंद करके, और फटाफट चाय बनाते हैं। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है तो चाय पियेंगे। देखिए, चाय के लिए हमने दूध रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती, थोड़ी कड़क सी चाय बनाएंगे। हम डाल देते हैं चीनी, और अब डालेंगे अदरक। सर्दियों की जान अदरक, अदरक के बिना चाय बिल्कुल अधूरी होती है। और देखती हूँ इलायची होगी, तो मेरे पास इलायची तो ख़त्म हो गई है, तो इलायची नहीं डालते हम। अदरक हमने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, और अब हम चाय को उबालते हैं। कढ़ाई की चाय में उबाल आ गया है। अब हम चाय को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। उबल कितना तो गुस्से में उबल सकती है चाय, उबल। हेलो गाइस, देखिए मैं पार्लर में आई हूँ। ये छोटे छोटे बाल हैं मेरे, जो इनका हेयर स्टाइल मैं घर पे नहीं बना सकती, इसलिए मैं पार्लर में आई हूँ हेयर स्टाइल बनवाने। मुझे किसी फंक्शन में जाना है और मैं हल्का सिंपल सा हेयर स्टाइल करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी बनने के बाद कि कैसा बनाया है मेरा हेयर स्टाइल। अब हुए हैं कर्ल सी है जब से बाल, मतलब कि हाँ, तो नहीं तो पहले ना स्ट्रेट थे मेरे बाल और सिल्की थे। सिल्की तो अभी भी है, पर नीचे से कर्ल्स में आ गए बस ये। इस बार की करवा चौथ पे हमने हल्की ड्रेस ली थी, सही भी रहती है हर टाइम ना, मतलब हैवी अच्छा नहीं लगता, मतलब हर बार ही हैवी ले लेते हैं ना, फिर हम उन्हें हमें ना वेट करना पड़ता है कि कोई शादी हो किसी की या कुछ हो उसमें पहने जाएंगे, है ना। अब जब हम ना नॉर्मल और हल्के लेते हैं ना, तो उसे नॉर्मल फंक्शन में भी पहन सकते हैं, वो किसी में भी पहन सकते हैं ना, यही रहता है। हाँ बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलने को यहाँ पे भी चलेगा अच्छा। तो मैं बोल तो रही हूँ इतने पार्लर है कि हद से ज्यादा पार्लर है। एक तो आजकल बाल इतने झड़ते हैं सबके, पता नहीं बालों को क्या बीमारियां लग गई हैं। इस टाइम तो कुछ ज्यादा ही, ये नहीं कि लेडीज के, जेंट्स के भी, सबके सब बच्चों तक के भी झड़ रहे हैं बाल। इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही बाल झड़ रहे हैं, जिसके सुनो वही आता है ना, बालों के लिए कुछ बता दो बालों के लिए बस बता दो, बाकी कुछ बताओ मत बताओ, बालों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या है, सारी सारी दिक्कत है डाइट की, उल्टा सीधा आजकल आजकल डाइट है नहीं किसी की सही। ये देखिए मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल सिंपल रखवाया मैंने हेयर स्टाइल। ये भी भगवान ने अलग ही बनाया है,
पहले लड़की दो किसी को और फिर वो अपनी लड़की किसी और को देगा, ऐसे ही बहुत देख लो ज्यादा ही। ऐसे ही संसार अगर अगर चलेगा। नई लड़की जाएगी तो संसार आगे भी तो नहीं वही बढ़ेगा, तो संसार ऐसे ही चलेगा, लड़कियों के बिना तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं। हो गया। देखिए गाइस, मेरा हेयर स्टाइल एकदम बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये देखिए, और पीछे से हमने इसकी वीडियो भी ले ली है, तो बहुत अच्छा बनाया है हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल बन गया है। अब हम घर चलते हैं और ये बताएंगे अपने पार्लर का नाम, जिस पार्लर में मैं आई हूँ। ब्रश एंड ब्रश मंत्रा पार्लर है हमारा, मोड वन में है, गली नंबर 15 में, आप आ सकते हैं, अच्छा काम होता है। बाकी आप जब आएंगे तब खुद देखेंगे। लिए चलते हैं फिर, घर जाके हम रेडी होते हैं, फटाफट हमें निकलना भी है, तो फिर मिलते हैं हम आपको। देखिए गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और हम बहुत लेट हो रहे हैं। देखिए पीछे कपड़े फैले हुए हैं, उन्हें इग्नोर करना, और आप हम चलते हैं और आपको रास्ते में दिखाएंगे और आपसे बातें करेंगे। देखिए हम चल दिए हैं और ये मम्मी जा रहे हैं आगे। गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, ये खड़ी हमारी गाड़ी। कह रहा आप हर चीज को मनाही करते हो, बस हर चीज को मनाही करते हो आप। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, छत खोल दे कह रहा होगा ये। अब छत खोलवा क्या करते हैं अम्मा, हर चीज को मना करते हैं, कुछ भी पूछो यो नहीं नहीं। तो बेटा अम्मा बाबा को डर लगता है कि आपको चोट ना लग जाए, हमें बाबू इसलिए। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।